बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर पाकिस्तान में जब अब्दुल रज़ाक ने बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट किया था तो अमिताभ काफ़ी बुरी तरीके से भड़के थे, और इसके बाद अब्दुल को आखिरकार सामने आकर माफ़ी मांगनी ही पड़ी थी ऐश्वर्या राय बच्चन से अपने भद्दे शब्दों के लिए। तो पहले आपको बता दें, अब्दुल ने दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उनके परफॉर्मेंस के लिए रताड़ा था और तंज कसा था। ये कहा था कि सिर्फ ऐश्वर्या से शादी करके जिस तरह आप अच्छे बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही परफॉर्मेंस को लेकर बात की थी उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर के ICC वर्ल्ड कप में। तो ऐसे में अब्दुल रज़ाक ने जब कमेंट किया वो काफ़ी डरे कि अमिताभ ने भी ट्वीट किए इनडायरेक्टली। फिर समा टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अब्दुल ने माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि वो अलग उदाहरण देना चाहते थे, लेकिन इसे स्लिप ऑफ टंग कहिए कि जुबान पर ये शब्द आ गया और एक्ट्रेस का नाम ही आ गया। आगे इंटरव्यू में ऐश्वर्या से माफ़ी मांगते हुए अब्दुल ने ये कोट किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी, मेरी ज़ुबान फिसल गई, एग्जांपल कोई और देनी थी और मैंने ऐश्वर्या राय का नाम मुँह से निकाल लिया। मैं अपोलोजाइज करता हूँ, सॉरी कहता हूँ उनसे, और मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, अब्दुल रज़ाक ने ये भी कहा। नेक्स्ट 9 लाइव्स रिपीट रिपोर्ट।